વેલકમ બેક. વાત કરીએ આગળ. જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 હટાવ્યા બાદ વીટીવીની ટીમ જમ્મુ કાશ્મીર પહોંચી છે. અહીંના ગામડાઓમાં પહોંચેલી અમારી આ ટીમ દ્વારા અહીંની સ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. પાકિસ્તાનની બોર્ડર પાસે આવેલા અહીંના ગામોમાં ધારા 370 હટ્યા બાદ પરિસ્થિતિ એકદમ શાંત છે. લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. અહીંના સચેતપુરા ગામના લોકો ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ગામ લોકોનું કહેવું છે કે કલમ 370ના કારણે તેઓ પોતાના અધિકારોથી વંચિત હતા. તેમને જમીનની માલિકીનો હક મળતો ન હતો. તેઓ 70 વર્ષથી ખેતી કરવા હોવા છતાં તેમને માલિકીનો હક મળતો ન હતો, ત્યારે હવે 370 હટતા તેમને પોતાનો હક મળવાની આશા છે. સુચેતગઢની અંદર આવ્યા છે ત્યારે સુચેતગઢના લોકો શું કહી રહ્યા છે, 370 હટવાથી તેઓ શું માની રહ્યા છે અને ખાસ કરીને તેને કેવી રીતે બીજી આઝાદી મળી છે. જી આપ યહાં સે હૈ સુચેતગઢ સે હૈ જી, આપકા નામ ક્યા? ગુરુરામ. ગુરુરામ જી, ધારા 370 હટ ચુકી હૈ, આપ તો હર રોજ મોટર કા સામના કર રહે હૈ પાકિસ્તાન કી ઓર સે, તો ક્યા સર ધારા 370 લગી ના, યે હમારે લોગો કે ઉપર બહોત જ્યાદા બોધ બના હુઆ થા कि हमारे लोग ना तो इनका स्टेट फैक्ट बनता था कई लोगों का. हमको इतनी खुशी हुई जो धारा 370 टूटी है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है. ये टूटी है हमारा जम्मू कश्मीर जरा सेंटर के अंडर आ गया. आपको लगता है दूसरी आजादी मिली है? हाँ, दूसरी आजादी मिली है जी. ये 47 से हम इधर खजल खराब हो रहे हैं लोग. खास तौर पे धारा 370 थी तब आपको क्या नुकसान होता था? हमें हमारा बच्चे जो है नौकरी नहीं कर सकते थे. कोई ऐसा काम जो है वो टेस्ट वगैरह नहीं करते, दिहाड़ी लगाते थे, ये क्या करते थे सर. अभी तो बहुत खुशी हुई है जी, 370 टूट गई, 37 टूट गई, बहुत खुशी है. लोग लड्डू बांट रहे हैं सर. लड्डू आपके गाँव में लड्डू बांटे? हाँ जी, हाँ जी, हमारे गाँव में भी लड्डू बांट रहे हैं, आरसपुरे में भी लड्डू बांट रहे हैं. क्या बात है, आरसपुरा, पूरा आरसपुरा में लड्डू बांट रहे हैं? पूरे आरसपुरे, पूरे आरसपुरे में लड्डू बांट रहे हैं. आपने तो देखा है आपके सामने ही बॉर्डर है, पाकिस्तान वाले सामने ही है, लोग मोटर भी लगाते हैं, कभी कभी फायरिंग भी करते हैं, सीज फायर का उल्लंघन भी करते हैं. तो आप इस तरफ से थ्रेट में जीते हैं, तो आप तो कुछ ना कुछ ज्यादा खुशी होगी आपको? ज्यादा बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है इसकी, क्योंकि थोड़ा वजन लस गया है ना अपने, इसलिए. ओके, यानी कि सेंटर में चले गए तो बोझ हट चुका है. मोदी ने काम कर दिया सर, बहुत अच्छा काम किया. ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में आएगा ही कोई नहीं. क्या बात है, मोदी और अमित शाह ने जोड़ी ने अच्छा कर दिया. हाँ बहुत ज्यादा जी सर. मोदी ने जो जेएंडके से किया ना, वो मतलब कोई कर ही नहीं सकता था. आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए, हम दूसरे बंदे को भी पूछेंगे. इस बच्चे है, बच्चे के चेहरे पे स्माइल है. ये बच्चा है, ये लड़का है, वो स्माइल से साथ भले ही उसको भले ही उसको 370 के बारे में मालूम ना हो, लेकिन इसके चेहरे पे जो स्माइल दिख रहा है वो स्माइल बताता है ये बच्चे का कि भाई हम खुश है. यह भारत के इलाके में आए हैं तो भारतीय पूरे भारतीय बन गए हैं. क्या बेटा, आपने धारा 370 में शायद मालूम भी नहीं होगा, लेकिन जो जब खुश होते हैं सब, तो उसमें खुशी में आप जाहिर करते हैं आपकी खुशी? कितनी कक्षा में पढ़ते हैं आप? सेवन्थ. ये पाकिस्तान वाला मोटर मारा यहाँ पे लगाता है, फायरिंग करता है, तो दुख होता है, डर लगता है क्या? डर नहीं लगता, यानी कि इतनी हिम्मत वाले हो. लड़के में भी हिम्मत, छोटी मोटी हिम्मत जो है, ये लड़के यहाँ पे है, छोटे लड़के हैं, वो भी बताते हैं कि भाई हिम्मत. खास तौर पे एक दूसरे बंदे हमारे पास है जो गांव में काम करते हैं. आपका नाम क्या है? मिंदरलाल जी. तो आप ये 370 धारा हट गई है, तो आप तो आपको तो ये दूसरी दिवाली मना रहे हो गए आप? अच्छा होगा. अच्छा हुआ. हाँ. क्या पहले क्या था यहाँ पे, दुख दर्द क्या था? तो लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, इनको नौकरी नहीं मिल सकती थी. इसको नौकरी नहीं मिल सकती, अब नौकरी मिलेगी, अब यहाँ का विकास भी होगा. हाँ, विकास होगा, विकास होगा, यहाँ का विकास भी होगा, यहाँ का फायदा भी होगा. खास तौर पे वापिस पूछते हैं कि जो धारा 370 लगी थी और कश्मीर वाले को ज्यादा फायदा होता था. कश्मीर वालों को होता था सर, जो जितना पैसा सेंटर से आता था ना, वो सारा वही ले जाते थे सर. मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को, पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे. पाकिस्तान से डरेंगे थोड़े, पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब देंगे सर. दो दिन में आपकी बॉर्डर के सामने क्या हुआ है? दो दिन हुए हैं धारा 370, आप तो सामने से रहते हैं. मोदी प्रधानमंत्री हो तो कुछ नहीं सकते सर, क्या बोलते हैं, बोल नहीं सकते वो.